हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ब्लॉग करने मैं यहाँ से शुरुआत। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं गाजर का जो है मीठा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ। लेकिन उसको बनाए उसकी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं यूट्यूब पर अपने चैनल को ग्रो कर सकूं। तो अब बनाने जा रही हूँ मैं गाजर का मीठा। गाजर को जो मैंने ग्रीस कर लिया था, ये मेरे अपने किचन गार्डन के जो है फ्रेश गाजर है, इनको मैंने कद्दूकस में ग्रीस कर लिया है और अब इसको इस पैन में डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी, और ये जो ट्रिक है मेरी इसको बनाने की, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है और जल्दी से जो है बन भी जाता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हो। हम तीखा और मीठा दोनों चीज़ें जो है ज़्यादा खाते हैं। तो अब ये मैंने इसको ऐड कर दी, और इसको अब मैं सिम आंच पे पकाऊंगी जब तक ये चीनी जो है इसमें पूरी मेल्ट ना हो जाए। तब तक मैं इसको बिना हिलाए जो है सीम आंच पर पकाऊंगी। आंच को जो है मैं अब थोड़ा कम कर लूँगी और ऊपर से इसको ढक लूँगी प्लेट से, और कुछ देर बाद इसको फिर देखेंगे। जब तक मेरा मीठा जो है बन के रेडी होगा, तब तक मैं आपसे थोड़ा बात कर लेती हूँ। मैं इस 2021 के आने के उपलक्ष पर आप सभी YouTube फैमिली को अपनी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, और आप जो है तरक्की के शिखर को छुए, आपकी हर मनोकामना जो है पूरी हो, कोई भी मनोकामना जो है आपकी उसमें कमी ना रहे। तो मैं आपको फिर से एक बार नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और प्लीज़ जो मेरे चैनल को देखते ज़रूर हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे विनती करना चाहती हूँ कि इस 2021 में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं भी जो YouTube में अपना नाम कमाना चाहती हूँ। पहले तो मैं सोच के चली थी कि मेरे पता नहीं 10-15 भी बन सकेंगे सब्सक्राइबर या नहीं, लेकिन दिन पर दिन जो है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं, और मेरा शायद 2 महीने में मेरा टारगेट भी पूरा हो जाए। तो जो मेरे चैनल को देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई साल में जो है नई सोच बना के चलें, तो यही कहना चाहूँगी। अब मैं जो है ढक्कन को खोल लूँगी और देखूँगी कि जो मैंने इसमें चीनी डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है या नहीं। तो चीनी जो है मेरी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसको हल्का सा जो है हिला लूँगी। इस तरह से चीनी डालने से चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये जो चाशनी जो है इसी में खुद ब खुद बन जाती है, और ये वाली ट्रिक जो है बहुत ही आसान है और जल्दी से जो है हमारा मीठा बन के रेडी हो जाता है। जब ये चाशनी थोड़ा नीचे लगने लगेगी तो उस टाइम हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल लेंगे, तभी इसको फिर से ढक देंगे और थोड़ी देर बाद फिर से चेक करेंगे। अब जो है मेरा मीठा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब मैं ऐड करूँगी इसमें देसी घी और इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जो थोड़े से ड्राई फ्रूट काजू और किशमिश थे, गहरी जो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि बच्चों का जब हाथ किसी चीज़ पे लग जाए तो वो चीज़ बचती नहीं है, तो वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने इसी से काम चला लिया। और मैंने इलायची को दरदरा जो है कूट लिया है, तो इसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसमें मैंने इलायची को जो है अच्छे से कूट लिया था, और इलायची जो है
फ्लेवर के लिए, इससे इसमें अच्छी खुशबू रहती है। देखिए इसने अपना कलर जो है छोड़ दिया है, मैंने इसमें कोई हल्दी कोई कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ चीनी की ही इसके अंदर चाशनी बनाई है, उसी के अंदर इसको पकाया है। और अब मैं थोड़ा सा जो है इसमें सौंफ डालूंगी ये भी फ्लेवर के लिए, और फिर इसको अच्छे से मिला लूंगी। हल्की सी जो है मैं इसमें अजवाइन भी डालूंगी डाइजेशन के लिए। और अब जो है मेरा मीठा लगभग बनके तैयार ही है। और ये देखिए ये बनके तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।